हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजदीप क्लासेस। आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम जो हमारी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ट्रिपल सी के एग्जामिनेशन में बहुत सारा क्वेश्चन इसके बारे में कन्वर्सेशन वगैरह पूछ देता है। तो आइए हम देखते हैं नंबर सिस्टम जो हमारी होती है फोर टाइप्स की होती है। फर्स्ट आपका होता है नंबर बाइनरी नंबर होता है, जिसमें मान ली दो ही नंबर होते हैं, जीरो और वन होते हैं। इसके अलावा कोई नंबर आपका नहीं होता है। इसका जो बेस होता है ना, यहाँ पर जीरो और वन से रिलेटेड ही नंबर्स मानली होंगे और इसका बेस जो होता है टू होता है। उसके बाद से आते हैं हम डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में टेन नंबर्स होते हैं। टेन नंबर्स जो हमारी होती है हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन। तो ये जो हमारी होती है ना, नाइन नंबर्स होते हैं, लेकिन ये जो हमारी होती है ना, इसका इसमें जो बेस होते हैं ना वो टेन होते हैं, ठीक है। उसके बाद से हमारे आती है ऑक्टल। ऑक्टल में जो हमारे नंबर्स होते हैं ओनली सेवन नंबर्स होते हैं। ये भी हमारा जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। तो सेवन जब हमारे लिखा, लेकिन जीरो से जब हम काउंट करेंगे तो टोटल एट आएगा, और एट में जो ऑक्टल हमारी होती है ना, इसका बेस जो होता है हमारी एट होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 16 नंबर्स होते हैं। वो भी 16 नंबर्स जो हमारी स्टार्ट होती है ना, वो स्टार्ट होती है हमारी जीरो से। तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन होता है। ये 10 डिजिट होते हैं। उसके बाद से हमारी जो होती है ना, अल्फ़ाबेटिक होती है। अल्फ़ाबेटिक में ए बी सी डी ई एंड एफ आता है। ये टोटल मिला के हमारा 16 नंबर होते हैं। तो जितना नंबर होता है उतना बेस होता है। तो इसमें जो हमारी बेस होगी ना, वो हमारी होती है 16, ठीक है। कितना होती है ये 16। बाइनरी का जो होता है 2 होता है, डेसिमल का होता है 10, ऑक्टल का होता है 8 एंड हेक्साडेसिमल का जो होता है हमारा 16 होता है। जितना नंबर्स होती हैं उतना बेस होता है। एक चीज़ ध्यान देंगे, ये नंबर जो सिस्टम हमारी होती है, जो अल्फ़ाबेटिक होता है हेक्साडेसिमल में, जैसे हमारी ए हो गई, बी हो गया, सी डी ई एंड एफ जो हमारी होती है ना, इसका एक नंबर होता है। जैसे हमने यहाँ पे जीरो से लेकर के नाइन तक हमने काउंट कर लिया। अब नाइन के पास जो ए का वैल्यू होगा ना, वो होगा 10, बी का 11, सी का आपका होगा 12, डी का आपका होगा 13 एंड 14 एंड 15। ये हमने देखा कि हर एक बेस से एक नंबर हमारी कम हो रही है। जैसे हमने अभी ऑक्टल में देखा कि 7 नंबर है, लेकिन हमारी क्या है 8 तक काउंट हो रही है। वैसे ये 15 है, तो यहाँ पे बेस क्या हो रही है 16 तक काउंट हो रही हैं। तो ये रहा हमारा नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम जानेंगे कि कन्वर्जन हम कैसे करते हैं। जैसे अगर हमें डेसिमल से बाइनरी में करना हो, बाइनरी से डेसिमल में करना हो, तो इन सबका कन्वर्जन हम कैसे करते हैं, इसको हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं आगे कन्वर्जन। कन्वर्जन में पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि ये हमारी जो है बाइनरी नंबर से हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, बाइनरी टू डेसिमल नंबर में हमें कन्वर्ट करना है। जिसमें हमने पहला क्वेश्चन ले रखा है क्या कि ये हमारी नंबर सिस्टम है जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, जिसमें आपको हमने पहले ही बताया था कि जीरो और वन से रिलेटेड नंबर्स ओनली होंगे, जिसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, ये हमारा डेसिमल में करना है। तो इसमें एक रूल होता है। तो जो रूल हमारी होती है ना, वो हमारा जो स्टार्ट होता है वो हमारी वन होती है, देन टू, देन फोर, एट, 16। तो ऐसे करके हमारी जो नंबर है ना, वो बढ़ती जाती है। यहाँ पे डबल आप देख रहे हैं होता जा रहा है। तो इसी के बेस पे हम निकालेंगे यहाँ से बाइनरी से हम डेसिमल में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे वन, जीरो, जीरो एंड जीरो। अब यहाँ से नंबर जो हमने लिखा है वही नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे हमने लिख दिया वन टू फोर एंड एट। जब एट लिखा तो जो हमारा वैल्यू वन जहाँ पे होगा उसी को बस हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, और जो हमारा जीरो के साथ होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये जो हमारी वैल्यू होगी, यहाँ पे जो आंसर आएगा, ये हमारी होगी एट। यानी हम यहाँ पे एट बेस 10 लिख सकते हैं। क्यों हमने लिखा है ये, बिल्कुल हमारा बिल्कुल सही है। क्यों है, क्योंकि हमारे जो डेसिमल में है वो 8 नंबर आ रहा था। यानी हमने देखा था कि 0 से लेकर के 9 तक था, यानी 9 के बीच में हमारे 8 नंबर आते हैं। यानी क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ये लिया, इसको भी सेम हम वही काम करेंगे। हमने यहाँ पर लिख लिया क्या, वन
जीरो वन एंड जीरो, इसको भी सेम वैसे हम राइट करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे क्या, वन टू फोर एंड एट, और जो जो हमारे जीरो के नीचे होगा वो हो जाएगा कट, ये हमारी दोनों हो गई कट। अब हमारा क्या बचा है, एट बचा, और जो जो बचेगा उसको हम कर लेंगे प्लस। यहाँ पे हो गया हमारा क्या, टेन। जब टेन हो गया तो इसको हम क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ऐड करने के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ये हमारी ऐड कर लिया, और ऐड करने के बाद ये हमारा क्या हो गया, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है। तो ये हमारा हो गया डेसिमल में, ये हमारा हो गया क्या, बेस 10। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आसानी से क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का भी सेम वही प्रोसेस होगा। हमने क्या रख लिया, यहाँ पे वन रख लिया, फिर वन वन, फिर जीरो, देन वन। फिर क्या करेंगे, वन टू फोर एट एंड 16, जो जीरो का है वो कट जाएगा। 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 हमने लिख दिया, और यहाँ पे जो 1 लिखा है इसको हम सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद से ये टोटल कितना होगा हमारा, 29। 29 बेस 10, ये हमारा हो जाएगा 29 बेस 10, ये हमारा आंसर रहा। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बाइनरी नंबर से हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा कि डेसिमल से हम बाइनरी, या डेसिमल से हम ऑक्टल, या डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।